Good morning, student of class 3. Today we are here again to complete the story. Yesterday we have read that what conversation is go was going on between the king and Chatur. King wanted to prove that Chatur can read the mind. Let's complete the story first, then we will go forward. They rode up to the man. Are you a carpenter named Chatur? And have you just eaten some sweets? asked the king. The man looked up in surprise. Yes, I am. And yes, I have just eaten some sweets. But how do you know that? Never mind, said the king, glaring at his minister. When they returned to the palace, the king sent for all his ministers and courtiers that, and told them how Chatur knew so much about a total stranger. And you still say you can't read minds? snapped the king looking at Chatur I cannot read mine sire Chatur insisted without heat all I did was make sense of what I saw. I knew the man's name because when you look took my name, he turned around. I knew he was a carpenter from the way he was shaking the trees chipping off bits to see if the wood was hard. As for the sweets, there were some flies buzzing around his mouth. The king began to smile and shouted with laughter. You have not only shown me you don't read minds, but also that I don't understand what my eyes see. For we both saw the same things. Chatur sighed with relief. Being around an angry king is very uncomfortable. कल हम लोगों ने देखा था कि राजा चतुर के दिमाग पढ़ने की क्षमता का पता लगाने के लिए ट्रिक चला और उसके साथ घोड़े की सवारी पे जंगल पे गया और एक लकड़हारा से बातचीत की वहाँ बातचीत होने के बाद वे लोग वापस उस कारपेंटर के पास गए और राजा ने उनसे पूछा कि क्या तुम कारपेंटर हो और तुम्हारा नाम चतुर है क्या तुमने अभी अभी थोड़ा स्वीट्स खाया है वो आदमी सरप्राइज़ से अचंभ से सर उठाकर देखा और कहा हाँ मैं हूं और हाँ मैंने अभी थोड़े देर पहले कुछ मिठाई खाई है बट आपको ये कैसे पता राजा ने कहा कोई बात नहीं ये बोल के राजा अपने मिनिस्टर की तरफ ताकता है उसके बाद वे लोग राजमहल लौट आते हैं और राजा सारे मिनिस्टर्स को अपने कोटियर्स को बुलाकर दरबार में बताते हैं कि चतुर जानता है बहुत कुछ एक स्ट्रेंजर के बारे और उसके तुम कहते हो कि तुम्हें दिमाग को पढ़ना नहीं आ राजा की बातें थोड़ी कड़ी और डांटने जैसा था आई नॉट रीड माइंड सायर बिना गरम हुए बिना गुस्सा दिखाए चतुर ने वापस वही कहा कि मैं माइंड को रीड नहीं करता मैंने जो भी किया है बस मैंने जो भी देखा उसको मैंने अपने हिसाब से, से सेंस किया एहसास किया और उसे समझने की कोशिश की मैं जानता था कि उस व्यक्ति का नाम मेरा ही नाम है क्योंकि जब आपने मेरा नाम लिया तो वो मुड़कर देखा था मैं जानता था कि वो एक कारपेंटर है क्योंकि जिस तरीके से वो पेड़ों को परख रहा था लकड़ियों को कड़ा है या नहीं है चेक कर रहा था वो एक लकड़हारा ही कर सकता है और साथ ही साथ उसने मिठाई खाई थी ये मुझे पता चला क्योंकि उसके मुंह के आसपास कुछ मक्खियाँ भी भिना रही थी ये बात बोलते ही राजा खूब ज़ोर से हंस पड़ते हैं और कहते हैं तुमने ना सिर्फ मुझे ये दिखाया कि तुम सच में माइंड रीड नहीं कर सकते बट तुम जो भी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो उसे बड़े अच्छे तरह से समझ सकते हो जबकि ये भी तुमने सिखाया कि सेम चीज़ मैं भी देखता हूँ बट मैं उन चीज़ों को उस तरीके से नहीं समझ पाता जैसे कि तुम समझते हो ये कहते हुए जब उस माहौल को राजा ने हँसते हुए हल्का किया तो चतुर थोड़ा शांति का एहसास किया क्योंकि एक नाराज़ राजा के दरबार में मंत्री होकर रहना आसान नहीं होता है स्टूडेंट्स यू विल फाइंड दैट हाउ मच इम्पोर्टेंट दैट वॉट यू ऑब्जर्व्ड So be careful what you have observed, sense it, link it with your feeling with actual situation, and you also become a wise and clever, just like this Chatur minister. Now, here is a time for question time. I will provide the question actually firstly in the link to in worksheet and later half. I will provide the answer to. But at first I think you just go for your own to answer it. That's all for today. Good day.